हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? आप सभी को क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? तो यस बोल दो एक बार कमेंट सेक्शन में। और एम आई ऑडिबल? हाँ, विजिबल मैं नहीं रहूँगा आज, क्योंकि अपने को एक स्पेस चाहिए, तो अपने को एक ही शीट में हर एक चीज़ सॉल्व करनी है ना। तो मेरे हिसाब से मैं ऑडिबल तो हूँ आप सभी को। सो एम आई ऑडिबल है ना? ऑडिबल, ओके ओके ओके, ठीक है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो वेलकम यू ऑल एंड लेट्स क्रैक इट। और हाँ हाँ, मैं आज ऑडिबल ही रहूँगा, नॉट विजिबल, है ना। विजिबल नहीं, मैं गायब हो गया आज, ठीक है। और आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं अबाउट, जल्दी से पहले डू सपोर्ट दिस सेशन गाइस। यार हाँ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके ये सब सेशंस बनाए जाते हैं, तो डू लाइक एंड शेयर एटलीस्ट। हाँ, जितना हो सके लाइक एंड शेयर करो, ठीक है। हाँ, मैं नहीं दिखूंगा आज, मैं गायब रहूंगा आपके सामने से। और आज बिकॉज वी नीड स्पेस, सो दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस। सो ताकि अपन आराम से पजल और क्वेश्चन एक ही पेज पर आएगा, है ना, ताकि हम लोग आराम से सॉल्व कर सके पजल और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सो दिस इज समथिंग अबाउट मी एंड माई सेल्फ। और चलिए आज का सेशन बिगिन करते हैं। प्लस बच्चों, आपको जैसा पता है, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे तो पढ़ाता ही हूँ आपको डेली, प्लस अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पे आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर विद मोर एंड मोर फीचर्स, जिससे आप लोग और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप वहाँ आके नहीं, अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं करा है, तो आप अभी तक बहुत अच्छे ऑनलाइन एक्सपीरियंस, लर्निंग ऑनलाइन एक्सपीरियंस से बहुत पीछे हैं। तो आप जल्दी अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, और और 1 month, 3 month, 6 months, 1 year and 2 year का सब्सक्रिप्शन है। यूज द कोड एच जे लाइव, जिससे मिलेगा आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है। चलिए, सो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा बाई यूजिंग द कोड एच जे लाइव। चलिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना सेशन और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और आपको जितने भी 21 और 22 के कैंडिडेट्स हैं, ज्वाइन द बैचेस, और आपको एक स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ठीक है। एंड आपकी जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प होगी, आई विल डू दैट। एंड जस्ट ज्वाइन दिस एंड आफ्टर दैट मैसेज मी बाई यूजिंग द कोड एच जे लाइव, हर्षित सरानी, ओके। चलिए, सो सो आज सब चीज़ें एक ही सिंगल पेज पे होने वाली हैं, तो देखते हैं कौन फटाफट से आंसर देता है। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ गुड कोट, है ना। नेगेटिव, इट विल, नेगेटिव लोग क्या सोचते हैं, इट विल नेवर हैपन। रियलिस्टिक, इट कुड हैपन। पॉजिटिव, इट विल हैपन। तो आपको कहाँ पे होना है, आपको यहाँ पे रहना है हमेशा, है ना। बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। सो नेवर थिंक नेगेटिव, ऑलवेज एवरीथिंग हैपन्स फॉर समथिंग बेटर, ठीक है। चलिए, so all of you, we are going to start another episode 2 of crossword. So all of you are ready now? चालू करें, start करें बच्चा लोग, okay. We will going to start now. Are you all ready? चलिए जल्दी से like और share करो यार, मतलब लोग इतने कम, मजा नहीं आता। जल्दी से like और share कर दो इन sessions को, ठीक है। इतनी मेहनत से लिए quiz बनाते हैं और आप लोग आए नहीं, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। जल्दी से अपने अपने दोस्तों के बीच, अपने अपने सोशल नेटवर्क्स के बीच एक बार शेयर करते हैं इन सेशंस को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग, ओके ओके। चलिए, सो तीन क्रॉसवर्ड करने वाले हैं। फर्स्ट क्रॉसवर्ड आपके आंखों के सामने ये रही, ठीक है। ये रहा पहला क्रॉसवर्ड आपके आंखों के सामने, दिख रहा है आप सभी को। चलिए, पजल 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 हो जाओ, पजल आपके सामने है। चलिए पजल बताएं, सारी की सारी पजल आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर, स्टार्ट करते हैं आंसर, दिख रहा होगा, आई होप इट्स ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अक्रॉस डाउन सब चीजें दिख रही होगी आपको, अक्रॉस में कौन कौन है और डाउन में कौन कौन है, ठीक है। ये आपका थर्ड नंबर है, है ना, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है आपका, ये सेकेंड नंबर है। आई होप इट्स ऑल आर विजिबल। चलिए बताएं, स्टार्ट कर दें।
ट्राई टू गिव द आंसर, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करो सारे बच्चे। थ्री अक्रॉस इज जीरो, सबसे पहला आया सबसे सबका आ गया थ्री अक्रॉस जीरो, और इनऑर्गेनिक बेंजीन अक्रॉस नाइन इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, थ्री अक्रॉस इज जीरो। ठीक है चलो ये जीरो लिख दिया मैंने, ये जीरो है ना, ये रहा थ्री अक्रॉस इज जीरो लिख दिया अभी, थ्री अक्रॉस जीरो। ओके ओके, अब अगला बताएं, अगला आगे आगे करके बताएं आगे क्या होगा नेक्स्ट। हाँ थ्री अक्रॉस जीरो इज डन, बी एन इज नोन एज, बी एन को क्या बोलते हैं। ओके नाइन्थ भी हो चुका है, हाँ इनऑर्गेनिक बेंजीन नाइन्थ भी हो चुका है, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या फिट हो रहा है यहाँ पे देख लेते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज इट ट्रू, नहीं इनऑर्गेनिक बेंजीन फिट नहीं हो रहा भाई, इनऑर्गेनिक बेंजीन फिट नहीं हो रहा, गलती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन तो नहीं आ रहा नाइन अक्रॉस में। अब और सोचो इनऑर्गेनिक बेंजीन तो नहीं आ रहा, बेंजीन तो नहीं आ रहा इनऑर्गेनिक बेंजीन, और कुछ सोचो नाइन्थ क्या है, और बोलिए और बोलिए, और कहाँ पे कौन कौन दिख रहा है आपको जल्दी से बताएं आंसर्स। डाउन वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, वन क्या है गैलियम प्लस एक्स इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम आ सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ हो गया भाई हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और बताओ और बोलते जाओ बोलते जाओ सारे बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ, जिस जिसको भी आ रहा है वो आंसर देते जाओ और लाइक और शेयर करते जाइए। सेवन डाउन इज डेफिशिएंट, सेवन डाउन इज डेफिशिएंट, सेवन क्या है बी सी एल टू इज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है डेफिशिएंट 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 आ गया भाई, और बोलिए। नाइन अक्रॉस इस पर कितना धड़ाधड़ी से आंसर चल रहे हैं, दिमाग सबके जल्दी चल रहे हैं। हाँ नाइन अक्रॉस इस बोरोन नाइट्रेट फिट नहीं हो रहा यार, बोरोन नाइट्रेट फिट नहीं होगा, देख लो आप पुट करके। हाँ विवेक ने सही बोला है, विवेक ने नाइन अक्रॉस बोला है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, देख लेते हैं इसको, इनऑर्गेनिक तो हो गया है और ये ग्रेफाइट आएगा क्या यहाँ पे, ग्रेफाइट हाँ आ गया है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट आ चुका है, और बोलो नेक्स्ट बोलते जाओ। जी जी इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट लगा दिया मैंने आंसर, आगे बताइए, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट आ चुका है और आगे बताएं। टेंथ अक्रॉस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, टेंथ अक्रॉस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मिक एसिड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फॉर्मिक एसिड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ओके टेंथ अक्रॉस ये रहा कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड आ गया, डन है डन है डन है। डू लाइक एंड शेयर जनता कम नहीं, बढ़ाओ लाइक और शेयर करके जल्दी से सारे बच्चे। टू डाउन इज ट्राइंगुलर प्लेनर, ओके सिलिकॉन क्लोराइड, हाँ टेंथ अक्रॉस लिख दिया मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख चुका हूँ। अब अपन को अक्रॉस तो सारे तुमने कर दिए हैं, अब अपन डाउन वाले करने हैं। शेप इज डाउन टू बताओ, डाउन एट, एट डाउन आ रहा है, सिलिकॉन क्लोराइड नहीं नहीं सिलिकॉन क्लोराइड नहीं है, थोड़ा और सोचो। फिफ्थ डाउन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट आ रहा है कि यहाँ पे फिफ्थ का, इज लेड की प्लस टू स्टेबल क्यों होती है, इनर्ट पेयर यस आ गया है शायद इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया है, डन। चलिए चार और बाकी हैं, चार और बाकी हैं, जल्दी से उसको भी सॉल्व कर दो सारे बच्चे, फोर आर रिमेनिंग। The sum of beryllium BASi, आपको सबको क्वेश्चन आपके सामने, आपको बस आंसर बताना है, जल्दी से बताएं आपके सामने सारे क्वेश्चन प्रेजेंट। वन डाउन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने तो रिड्यूसिंग डाल दिया है,
फोर्थ डाउन इज थेलियम, फोर्थ डाउन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन। फोर्थ डाउन, फोर्थ क्या है, जनरली एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सीडेशन इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, तो एसिडिक नेचर ज्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सही सोचा है ये। चलिए अब दो और बचे हैं, सिक्स्थ सेकंड और एट, सिक्स्थ सेकंड और एट, तीन बचे हैं बस, सिक्स्थ सेकंड और एट, सिक्स्थ सेकंड और एट। एट डाउन इज फॉस्फीन, एट डाउन इज फॉस्फीन, हाँ, वॉरफेयर में यूज होती है PS3, है ना, तो एट डाउन आ गया आपका, फॉस्फीन आ गया, फॉस्फीन आ गया है, ठीक है, फॉस्फीन आ गया है। बस सेकंड और सिक्स और बता दो, हो गया काम जिसमें, सेकंड और सिक्स और बता दो जिसमें हो जाएगा अपना काम, सेकंड और सिक्स, सिक्स आ गया है गैलियम, बिकॉज सिक्स में बोला है एलिमेंट विद लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, आपको पता है गैलियम को हाथ रखते ही पिघल जाता है, हाथ में रखते ही, तो ये हो जाएगा आपका गैलियम, बहुत बढ़िया। और आगे सेकंड, सेकंड बाकी है, बस सेकंड बाकी है, ट्रायंगुलर प्लेनर, प्लेनर, हाँ, प्लेनर बनाना है तो ये बनेगा, और ये बना देते हैं अपन ट्राई गोनल प्लेनर, हो गया, डन, वी हैव डन इट। कितना टाइम लगा बच्चा लोग, 10 मिनट में लग गया होगा, हाँ, 5 मिनट में कर दिया तुमने सॉल्व, क्लियर, डन डन डन, ट्राइगोनल प्लेनर, ये रहे आंसर्स, मैच कर लो भाई, जिसको कहीं डाउट हो तो बोलो, मैचअप कर लो, मैच कर लो, हो गया, देख लो, ये रहे आंसर्स, आज तो कल से भी जल्दी कर दिया, वी हैव डन इट, हाँ, बहुत बढ़िया, डन डन डन। डन डन डन। ट्राइसिलाइल अमीन में बैक बॉन्डिंग होती है, उस वजह से वो नाइट्रोजन के लोन पेयर सिलिकॉन के 3D ऑर्बिटल में चल जाते हैं, तो इस वजह से वो क्या हो जाता है, इस वजह से वो क्या हो जाता है, इस वजह से वो हो जाता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे देखो, दो केसेस होते हैं बच्चा लोग, ये ध्यान रखो, एक तो होता है NCH3 होल थ्राइस, और एक होता है आपका NSiH3 होल थ्राइस, ऐसे पढ़ाते हैं, है ना, तो इन दोनों में क्या होता है, NSiH3 होल थ्राइस में, NSiH3 होल थ्राइस में क्या हो जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो यहाँ पे 3D के साथ बॉन्डिंग में चल जाते हैं, 3D वेकेंट ऑर्बिटल के, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर कहीं पे नहीं जाएंगे, बिकॉज ये तो CH3 है, ये CH3 किसको बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट को बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट को बिलोंग करता है, ये किसको बिलोंग कर देता है, 3D, थर्ड पीरियड एलिमेंट को, हाँ, और भी है, आया समझ, आया क्लियर, चले आगे नेक्स्ट पे बोलो, क्लियर है, हाँ, बैक बॉन्डिंग हो जाता है ना, नाइट्रोजन का 2p और 3D के वेकेंट ऑर्बिटल उसके में, जैसे अब BF3 में होता है वही सेम केस। चले आगे नेक्स्ट पे, ओके, चलिए, सो नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड क्रॉसवर्ड। देखो ये क्रॉसवर्ड ऐसा ही नहीं है, ये क्रॉसवर्ड से क्या होगा बच्चों, आपका एक IQ लेवल भी बहुत इंक्रीज होगा, है ना, आई विल सजेस्ट दिस, एवरी वन शुड गिव, IQ भी चाहिए, है ना, ऐसे ही नहीं आपको बस रटन तो बुद्धि आनी चाहिए, आपके दिमाग भी बहुत शार्प चलना चाहिए, तो फॉर दैट ऑल्सो आई एम ब्रिंगिंग यू ऑल दिस, कि आपका IQ की भी प्रैक्टिस हो जाए, अपन IQ प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, तो दोनों चीज हो जाए, इनऑर्गेनिक भी हो रही है और IQ भी हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्विज, स्टार्ट करो, चालू हो जाओ जल्दी से, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। डन डन डन, ओके, स्टार्ट करो, स्टार्ट फटाफट से आंसर देना, आप स्टार्ट हो जाओ। ABCD कौन सा आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। कोशिश करो, कोशिश करो, हाँ, जल्दी से आंसर आने लग गए, एक बार बताते जाओ आंसर, फिर मैं लिखता जाऊंगा।
ओके आ चुके हैं, आंसर आ चुके हैं। चलिए लेट अस बिगिन, आंसर फटाफट से आते जा रहे हैं सारे बच्चों के, और चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे क्या क्या आंसर होगा आप लोगों के लिए। हो गए हो गए हो गए हैं हो गए हैं। चलिए देखते हैं, वन डाउन इज सिक्स, वन डाउन इज सिक्स, वन डाउन क्या है, ये वन डाउन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय क्रोमियम इज सिक्स, मैं आप फिल करना स्टार्ट कर देता हूँ, ये सिक्स आ गया भाई। और बताएं आगे, और आगे बताएं, और ग्रीन आ रहा है, सेवन को ग्रीन बोल रहे हैं, सिक्स अक्रॉस को थ्री बोल रहे हैं, सिक्स अक्रॉस थ्री, द कॉमन ऑक्सीडेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज थ्री, सिक्स कहाँ है, सिक्स ये रहा, सिक्स अक्रॉस ये रहा, और इसको बोल रहे हैं आप लोग थ्री, ठीक है थ्री लिख दिया। और बोले और बोले, सिक्स अक्रॉस थ्री आएगा ना, थ्री आएगा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो लेंथेनॉइड की थ्री होती है, एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड की, थ्री डाउन इज बेसिक, थ्री डाउन इज बेसिक, एल ए टू ओ थ्री इज अ, एल ए टू ओ थ्री इज अ वॉट, एल ए टू ओ थ्री इज अ वॉट, एल ए टू ओ थ्री इज अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है चलो बेसिक ऑक्साइड डाल देते हैं यहाँ पे, आता है क्या बेसिक ऑक्साइड फिट होता है क्या, हो गया भैया फिट हो गया, वाह वाह बहुत बढ़िया ग्रेट, सब एकदम, हाँ तुम्हारे वाह वाह, मतलब तुम्हारे का तो बढ़िया दिमाग है यार, तुम लोगों के पास तो आई थी तो एकदम शानदार, फटाफट फाइव डाउन जीरो बोल रहे हैं, फाइव डाउन जीरो, फाइव क्या है ये रहा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन जिंक प्लस टू, हाँ सिंपल वन जीरो, ठीक है जीरो हो गया ये रहा। और बोलो और आगे आगे भी बताओ भाई, आगे भी बताते जाओ, फोर इज सल्फर डाइऑक्साइड, फोर को बोल दिया है सल्फर डाई ऑक्साइड, सल ओ एल को भूल गया हूं मैं लिखना, एक देखो एक वर्ड ऊपर नीचे हुआ पूरा गलत हो जाता है, हाँ फोर अक्रॉस सल्फर डाइऑक्साइड ये लीजिए, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है और बताएं, सेकंड बताना है और सेवेंथ बताना है, सेकंड और सेवेंथ, सेवेंथ बता रहे हो ग्रीन बोल रहे हो, जब आपका द कलर ऑफ कंपाउंड व्हेन फ्यूज्ड विद KMnO4 और KOH इट शोज ग्रीन कलर, ग्रीन कलर बोल रहे हैं सारे बच्चे, ओके ये लीजिए ग्रीन कलर लिख दिया है, ग्रीन कलर यहाँ पे लिख दिया है, और बोले हाँ सेवन अक्रॉस मैंने ग्रीन लिख दिया है, ओके डन, और बताएं, अब टू बताना है, टू में अक्रॉस में भी बताना है और टू डाउन में भी बताना है, टू अक्रॉस और टू डाउन दोनों बताओ, हाँ ग्रीन लिख दिया, टू अक्रॉस और टू डाउन बताना है बस, टू डाउन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन, बहुत बढ़िया डिस्प्रोपोर्शनेशन, टू डाउन बिकॉज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन सीयू प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू इट डिस्प्रोपोर्शनेट, डिस्प्रोपोर्शनेशन आ गया भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब सेकेंड अक्रॉस, सेकेंड अक्रॉस निकालना है, सी प्लस फोर एस, सेकेंड अक्रॉस का नहीं आया अभी तक मेरा, लास्ट वाला ढूंढना है बच्चा लोग, लास्ट वाला, सेकेंड अक्रॉस नहीं दिख रहा है मुझे अभी तक सही किसी का भी, सेकेंड अक्रॉस, सेकेंड अक्रॉस को भूलें, हाँ डी हो गया है, सेकंड डाउन कर दिया है, सेकंड अक्रॉस करना है सी प्लस फोर की कौन सी ऐसी, वाह बहुत बढ़िया, सी प्लस फोर इज अ, वेरी गुड बहुत बढ़िया, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जी ने सबसे पहले दिया है, विवेक चल गया दिमाग चमक गया, वाह वाह वाह,
मजा आता है, एकदम से चमकता है ना तो एकदम से मजा आ जाता है ना। डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, वाह डन, मजा आया। चले आगे, डन हो गया, हो गया हो गया, चलो हो गया, टू अक्रॉस हो गया, डायमैग्नेटिक, वेरी गुड। हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डन डन ग्रेट। मजा आया। तो यार जल्दी से लाइक और शेयर करो यार इन सेशंस को, ऐसे नहीं है ना। ये रहा सारों के आंसर्स, देख लीजिए एक बार सारे एक साथ, मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें बच्चे, नीट केमिस्ट्री हर्षित सर है ना, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लें, इस पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आज 8 बजे 8 PM पे अपन का जीओसी का टेस्ट है, वो जरूर देने आना, स्पेशल क्लास में फ्री है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए सोचिए, स्टार्ट हो जाइए इनका आंसर्स देना, एक दो धड़ल्ले से। हाँ, नहीं आईक्यू देखो अच्छा ही होना चाहिए ना, आईक्यू बहुत अपने काम आता है, तो इसी के लिए है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अपन को करनी ही है स्ट्रॉन्ग, तो दोनों काम हो रहे हैं अपने यहाँ पे। चलिए बताएं, 8 PM स्पेशल क्लास है आपकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज की, आज दूसरी क्लास है, कल IUPAC के लिए। चलिए बताएं इसका आंसर, टू अक्रॉस टू डाउन सब कुछ बताएं। वन डाउन सबसे पहले बताया हाइड्रोजन, वन डाउन सबसे पहले बताया हाइड्रोजन बोल रहे हैं, सबका एक ही आंसर आता है एक साथ। ओके वन डाउन इज हाइड्रोजन, वन डाउन क्या है, द लाइटेस्ट गैसेस, तो तुमने बता भी दिया हाइड्रोजन फिट हो रहा है, हाइड्रोजन फिट हो रहा है क्या, हाँ फिट हो गया भाई हाइड्रोजन। और बोलो आगे, फाइव अक्रॉस इज बेरिलियम, सोच लो एक बार है ना, 1 मिनट के लिए आराम से देखो इसको और फिर बताओ। सेकेंड इज लिक्विड, सेकेंड होगा लिक्विड, ओके सेकेंड वन इज लिक्विड, लिक्विड है क्या, हाँ लिक्विड आएगा क्या, हाँ आ गया भाई, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज अ लिक्विड, चलिए ये तो हो गया। और बोलो, फाइव अक्रॉस बोल रहे हो मैग्नीशियम को, फाइव अक्रॉस मैग्नीशियम फिट हो रहा है, देखो बेरिलियम तो फिट हो नहीं रहा, मैग्नीशियम हो रहा है क्या फिट, हाँ हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्योंकि द मेटल आयन विच डज नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, दैट इज मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। हाँ और बोलो, मजा आ रहा है, चलिए और बताएं। हाँ फाइव अक्रॉस लिख दिया मैंने मैग्नीशियम, 10 अक्रॉस बोला है निहारिका ने, हैवी वाटर, 10 अक्रॉस क्या हैवी वाटर, हैवी वाटर फिट हो रहेगा, हैवी वाटर, हैवी वाटर, हैवी वाटर, हाँ हो गया फिट हो गया, ठीक है हैवी वाटर फिट हो गया है। चलिए बिकॉज 10 अक्रॉस हैवी वाटर कैसे आया, तो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स स्लोड डाउन, कैसे स्पीड को अपन कम कर देते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, तो बस सिंपल सी बात हैवी वाटर हो गया, ठीक है। और बताएं, एट अक्रॉस इज एट्थ बोल रहे हैं ब्रिक रेड, एट्थ कैल्शियम का कलर होता है ब्रिक रेड, ऐसा क्या देख लेते हैं, ब्रिक रेड, हाँ हो गया भाई ब्रिक रेड आ गया यहाँ पे। और बोलो, थ्री डाउन इज पोटेशियम ऑक्साइड, 9 अक्रॉस इज बॉइलिंग, द एलिमेंट हैविंग अटॉम, थ्री डाउन इज पोटेशियम ऑक्साइड,
देखो पोटे थ्री डाउन में पोटेशियम ऑक्साइड नहीं आ रहा, देखो पोटेशियम ऑक्साइड नहीं आ रहा थ्री डाउन में, कुछ और सोचो। नाइन अक्रॉस इज बॉइलिंग, नाइन अक्रॉस आ गया है बॉइलिंग, ठीक है क्यों? क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल वन, दैट इज बॉइलिंग, बॉइलिंग आ चुका है भाई, बॉइलिंग भी आ गया है। और बोलो सिक्स डाउन इज स्लिक लाइन, सिक्स डाउन सिक्स डाउन स्लिक लाइन है, फोर डाउन इज कैलगॉन, फोर डाउन कैलगॉन बोल चुके हैं दो तीन लोग, हाँ फोर डाउन इज कैलगॉन आ गया, क्या कैलगॉन हो गया भाई, कैलगॉन आ गया फोर डाउन में। और बोलो सिक्स डाउन में आपको ऐसा लिखना है जो कि फिक्स भी हो जाए वहां पे। थ्री डाउन इज बेसिक ऑक्साइड, हाँ अब चला ना दिमाग, इसे कहते हैं आईक्यू, है ना कि भाई ये नहीं आया तो अपने दिमाग चलाया और ये हमने बता दिया है बेसिक ऑक्साइड। बस दो बाकी हैं, दो बाकी हैं, सिक्स और सेवन और तो हो गए सारे। और बताओ सेवन अक्रॉस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सेवन अक्रॉस बता रहे हो कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, ओके सेवन अक्रॉस, जल्दी से लाइक और शेयर भी करते जाओ बच्चा इस सेशन को। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड आ गया भाई, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड फिट हो गया, बस सिक्स बताना है। द सस्पेंशन ऑफ स्लेग लाइम इन वाटर इज नोन एज, द सस्पेंशन ऑफ स्लेग लाइम इन वाटर इज नोन एज, अब सिक्स बता दो बस लास्ट। आ गया, चमक गया है, वाओ मिल्क ऑफ लाइम, डन हो गया, कितना आसान था। लाइक और शेयर करते जाए सारे बच्चे। मिल्क ऑफ लाइम, डन डन डन, वेरी गुड, डन हो गया है, क्लियर। सो ये रहे आंसर्स, किसी में डाउट हो तो बताओ, और किसी में डाउट हो तो बताओ। हो गया हो गया हो गया, मजे आ गए, हाँ हो गया है, मजा आ गया सभी को। सबसे पहले आंसर बताते हो ना तो सबसे ज्यादा मजा आता है, सबसे पहले कमेंट में आंसर डालते हो तो सबसे ज्यादा मजा आता है ना कि यस हमने सोचा, जितना देखो इससे कितनी अच्छी चीज हो रही है आपका, एक तो दिमाग की टेंडेंसी भी बहुत इंक्रीज हो रही है और हर एक चीज बढ़ रही है आपकी थिंकिंग पावर आईक्यू। डन डन डन, वेरी गुड, हो चुका है, ठीक है। चलिए सो मैं आज इतना ही लाया था, है ना, चलो और अब आज मिलते हैं अपन, कल से और ले आएंगे, है ना, डेली होने वाला है ये तो, 8 PM से टुमारो, 8 PM पे कल, 8 PM पे टुडे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन को देखें यहाँ पे, 8 PM पे टुडे आज, स्पेशल क्लास है मेरी, उसको जरूर ज्वाइन करें सारे बच्चे, 8 PM टुडे स्पेशल क्लास, GOC पे क्वेश्चन सीरीज है, GOC पे जरूर आए और उसको ज्वाइन करें, GOC पे होगा क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। थैंक यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू, डू लाइक एंड शेयर, जितना हो सके अपना प्यार बनाए रखें, और आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इस टेलीग्राम, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी डाल दिया करें, है ना, वीडियो पे, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, नीट केमिस्ट्री हर्षित सर इस पे, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय, डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल गाइज, डू लाइक एंड शेयर इट, और अगर आपको पढ़ना यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं करता रहता हूँ, तो यूज द कोड एजिलाई, जिससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी मेंटरशिप मिल जाएगी, और आप मुझे इस नंबर पे फिर मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपकी और जितनी हो सकी पॉसिबल आई विल हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू ऑल, बाय 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 बाय, थैंक यू।